क्योंकि राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं कि कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा करप्शन है। सारा कर्नाटक जानता है कि आज कर्नाटक की अब जो हुकूमत है वो करप्ट हुकूमत है। कर्नाटक ये कहूँ कि चुनाव की दहलीज पर भी है, तो वहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, उसका मूड इस बार क्या है? लोग चाहते हैं कि हुकूमत बदले। कांग्रेस कह रही है अडानी पर बात होनी चाहिए, विपक्ष कहता है अडानी पर बात होनी चाहिए, और सत्ताधारी दल कहता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो मैं बोलूंगा तमाशा चल रहा है कि सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट नहीं चलना उसका इरादा है। तो इसमें जेपीसी ही क्यों जरूरी है? नहीं नहीं, जेपीसी ये पार्लियामेंट का हक है ना। ममता बनर्जी अलग दिखती है सिलेंडर को लेकर, बाकी विपक्ष जो 17-18 पार्टियां वो अलग दिखती हैं। तो क्या ये 2024 में एक वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन करके सामने आ पाएंगे जो बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए? तो जब तक अपोजिशन यूनाइटेड नहीं हो सकती, लगता है मुश्किल है। इतने बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस छोड़ करके दूसरी कश्ती में सवार है। कांग्रेस ही एक अल्टरनेटिव है जो लोग जब सरकार बदलना चाहेंगे। समाज को परिवर्तन करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकली, क्या लगता है कि इस यात्रा का 2024 के चुनाव में कितना असर कांग्रेस डाल पाएगी? राहुल गांधी की सही पर्सनैलिटी जानने का लोगों को एक मौका मिला। रात के दम को ममता बनर्जी जो है बेदम कर रही हूँ, वो ममता का उनका ख्याल है, हम उससे क्या कर सकते हैं? कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, कोर्टों के दरवाजे खुले, तो हम क्यों नहीं वहाँ जाते? आज हम जुडिशरी के ऊपर ही एतमाद करना चाहिए। रूबरू में खास मुलाकात करिए के रहमान, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा से, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।